आईपीएल के 16वें सीजन के फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। बारिश की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स को डीएलएस नियम के अनुसार 15 ओवरों में जीत के लिए 171 रनों का लक्ष्य मिला था। वहीं रविंद्र जडेजा ने आखिरी गेंद पर जीत के लिए जरूरी रन बनाकर चेन्नई सुपर किंग्स को विजेता बना दिया। इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5वीं बार विजेता बनने में कामयाब रही। चेन्नई की टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी। वहीं गुजरात की तरफ से इस ओवर को फेंकने की जिम्मेदारी मोहित शर्मा को सौंपी गई, जिन्होंने पहली गेंद पर कोई भी रन नहीं दिया। इसके बाद ओवर की दूसरी गेंद पर सिर्फ एक रन ही आए। अब 4 गेंदों में चेन्नई को 12 रन चाहिए थे। वहीं तीसरी और चौथी गेंद पर भी एक एक रन आया। आखिरी 2 गेंदों पर चेन्नई को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे। वहीं रविंद्र जडेजा ने मोहित शर्मा की ओवर की 5वीं गेंद पर छक्का लगाते हुए रोमांच को बरकरार रखने का काम किया। उसके बाद फिर आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने चौका लगाते हुए चेन्नई की टीम को 5वीं बार विजेता बनाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं अगर हाइलाइट्स की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स जब इस मुकाबले में 215 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उनकी पारी की तीसरी गेंद के बाद बारिश के खलल की वजह से खेल को रोक देना पड़ा। लगभग 2 घंटे के बाद जब मैच फिर से शुरू हुआ तो चेन्नई को डीएलएस नियम के अनुसार 15 ओवरों में 171 रनों का लक्ष्य मिला। वे चेन्नई की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे ऋतुराज गायकवाड़ और डिवोन कॉनवे ने टीम को तेज शुरुआत देने का काम किया। 4 ओवरों का खेल खत्म होने पर चेन्नई का स्कोर बिना किसी नुकसान के 52 रन पहुंच गया था। इसके बाद 6 ओवरों का खेल खत्म होने पर टीम ने 72 रन बना लिए थे। वहीं गुजरात टाइटंस ने इस मुकाबले में टाइम आउट ब्रेक होने के बाद 7वें ओवर में वापसी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 2 बड़े झटके देने का काम किया। नूर अहमद ने पहले 74 रनों के निजी स्कोर पर ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन भेजा। इसके बाद टीम के 78 रनों के स्कोर पर डेवोन कॉनवे का विकेट लेने के साथ गुजरात की इस मुकाबले में वापसी कराने में अहम भूमिका अदा की। वहीं एक ही ओवर में 2 विकेट गंवाने के बाद अचानक चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस मुकाबले में दबाव में दिखने लगी। अजिंक्य रहाणे ने यहां से शिवम दुबे के साथ मिलकर चेन्नई को फिर से मैच में वापस लेकर आने में अहम भूमिका अदा की। रहाणे ने पारी के 8वें ओवर में 2 छक्के लगाने के साथ 16 रन बटोरे। इससे चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 8 ओवर के बाद 94 रनों तक पहुंच गया। चेन्नई ने 10 ओवरों का खेल खत्म होने के बाद 112 रन बना लिए थे। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को इस मुकाबले में तीसरा झटका 117 रनों के स्कोर पर रहाणे के रूप में लगा, जो 13 गेंदों में 27 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटे। वहीं 12 ओवरों का खेल खत्म होने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 विकेट के नुकसान पर 133 रन बना लिए थे। आखिरी 3 ओवरों में टीम को जीत के लिए 39 रनों की दरकार थी। वहीं गुजरात की तरफ से पारी का 13वां ओवर कराने आए मोहित शर्मा की पहले 3 गेंदों पर 16 रन आए। इसके बाद मोहित शर्मा ने वापसी करते हुए अगली 2 गेंदों पर अंबाती रायडू और महेंद्र सिंह धोनी को पवेलियन भेजते हुए चेन्नई को 2 बड़े झटके देने का भी काम किया। वहीं 13वें ओवर का खेल खत्म होने के बाद चेन्नई का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 150 रन था। वहीं गुजरात की तरफ से इस मुकाबले में 14वां ओवर फेंकने आए मोहम्मद शमी, जिन्होंने सिर्फ 8 रन दिए। वहीं चेन्नई को आखिरी ओवर में जीत के लिए 13 रन चाहिए थे। इस ओवर की पहली 4 गेंदों में चेन्नई की टीम सिर्फ 3 रन ही बनाने में कामयाब हुई। वहीं रविंद्र जडेजा ने आखिरी 2 गेंदों में 10 रन बनाने के साथ चेन्नई को 5वीं बार विजेता बना दिया। वहीं गुजरात की तरफ से मैच में मोहित शर्मा ने 3 और नूर अहमद ने 2 विकेट हासिल किए।